एवरी वन तो आप भी अगर सोच रहे हैं कि किस तरह से आप अपनी अमेजन यू की सेल्स बढ़ाएंगे तो मैं आपको इस वीडियो में बताने जाऊंगा और इस वीडियो के अंदर हम प्रॉपरली डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ यू कैन एक्चुअली इंक्रीज योर सेल्स ऑफ एमेजोन यू और मैं आपको चार से पांच टिप्स बताऊंगा जो आप लोग यूज करके डेफिनेटली अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा की अगर आप देखें इस हिसाब से वी आर इन एन एरा ऑफ लाइक अराउंड नवंबर ट्वेंटी सिक्स ठीक है अभी एक ऐसा सीजन सीजन चल रहा है बेसिकली क्रिसमस आने वाली है ठीक है उसके बाद विंटर सीजन चल रहा है तो आप वो प्रोडक्ट सेल करें सबसे पहले जो डिमांड के अंदर है ठीक है

ये लोग अभी अभी लॉन्च कर रहे हैं कुछ ब्रांडेड हैं कुछ अनब्रांडेड है कुछ एम पी एल कुछ पी एल तो उस हिसाब से जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये पोर्टेबल ब्रेडिट है ये प्रोडक्ट जो है ये एवरग्रीन प्रोडक्ट है ठीक है अगर आप सोचते हैं कि ये प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो ये आपकी भूल है ये बिकता है ये बहुत अच्छा बिकता है अब देखें मैं आपको एक बहुत अच्छी मिसाल देता हूँ ये बंदे ने जिस भी ने लिस्टिंग बनाई है इसकी प्राइस नहीं अच्छी इसने बुल्क बो, बहुत गंदी प्राइस लगाई है इट शुड बी लाइक अराउंड थर्टी फोर्टी बिकॉज इसके अंदर ना आपको प्रॉफिट होगा इतनी प्राइस के अंदर ना फिर किसी और को प्रॉफिट होगा ना अमेजोन आपसे इतना ज्यादा पैसे ले पाएगा ठीक है अब देखें ये प्रोडक्ट जो है अगर आप सेम प्रोडक्ट लॉन्च करें अपनी खुद की एम पी एल लिस्टिंग बना के एम पी एल लिस्टिंग के अंदर क्या करना है मैं आपको बताता हूँ सिंपल आपने अपने बॉक्स को कस्टमाइज करना है ब्रांड देखिए आप लोग इस चीज से भागते हैं आप कहते हैं कि नहीं हमें ब्रांडेड चीजें नहीं बनानी हमें ब्रांड की तरफ नहीं जाना और यही चीज आपकी रुकावट बनी हुई है आपके मैं पहले जेनेरिक सेल करता था अभी मैं जेनेरिक सेल करता हूं मैं आपको दिखाता हूँ लाइक इफ यू गो टू जेनेरिक ये मैं एक प्र, आ, बहुत प्रोडक्ट में सेल कर रहा हूं बहुत टाइम से दो तीन साल से मैं सेल कर रहा हूं और एक सीजन आता है उसी के अंदर मैं सेल करता हूं मैं इसको सेल कर रहा था इसको मैंने सेल करना इसलिए छोड़ा है उसकी बहुत बड़ी वजह उसकी बड़ी वजह है कि पहले ना इस लिस्टिंग के अंदर इसकी जो प्राइस थी वो बहुत नीचे थी अगर मैं आपको इसको ट्वेंटी फोर बाय थर्टी करके दिखाऊं इसको वन साइज करते हैं यहां से वन साइज करके दिखाऊं तो आपको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट जो है इट्स वेरी गुड प्रोडक्ट सेल हो रहा है लेकिन कुछ कुछ सेलर्स के अंदर ऐसे बैठे हुए हैं जो प्राइस बहुत कंपटीशन कर रहे थे तो मैंने क्या किया इसकी एक सेम अलग लिस्टिंग बनाई है अलग लिस्टिंग बना के इसको कर दिया लेकिन अलग लिस्टिंग के अंदर प्रॉब्लम ये है कि आपको बीपीसी रन करनी पड़ेगी आपने अच्छी प्राइसिंग करनी है और आपने मेक श्योर sure करना है कि सेम की जो है ये टाइटल जो है आप सेम कॉपी करके लिख सकते हैं टाइटल का कोई भी इन्फ्रेजमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है ठीक है आप टाइटल लिखें सेम बस आपने मेक श्योर करना है कि पहली जो टिप मैंने आपको दी है सीजनल प्रोडक्ट अगर आप सेल कर रहे हैं जिस फॉर एग्जांपल क्वार्टर फोर के अंदर है तो उस हिसाब से अपने आपको एडजस्ट करें ठीक है अगर आप लोग नहीं कर सकते तो आई एम सॉरी अमेजन आपके लिए नहीं है बिकॉज अमेजोन देखें कुछ लोग होते हैं प्रोडक्ट ग्रीन एवरग्रीन प्रोडक्ट सेल करते हैं वो एक प्रोडक्ट पे लगे रहते हैं उनको कामयाबी मिल जाती है कुछ लोग सीजनल प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उनको कामयाबी भी मिल जाती है ठीक है ये आपके ऊपर है आपके बिजनेस मॉडल के ऊपर है आप कौन से प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं और कौन सी कैटेगरी में जा रहे हैं लेकिन मेरे हिसाब से आजकल जो कैटेगरी ज्यादा बूम कर रही है वो ब्यूटी है ब्यूटी कैटेगरी आजकल इतनी बूम कर रही है आई डोंट नो बट उसकी डिमांड बहुत ज्यादा आ रही है ठीक है ब्यूटी कैटेगरी के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं ये जितने भी प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रहा ये मूवर्स एंड शेकर्स के अंदर बेस्ट बेस्ट रैंक के ऊपर हैं ये है एसिड ये भी बहुत अच्छा सेल हो रहा है ठीक है मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप सेम जाके ब्रांड सेल करना चलूंगा नहीं ब्रांड आप लोगों ने ब्रांड की तरफ नहीं जाना ठीक है uh, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप ब्रांड जाके सेल करने लग जाए विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी ठीक है तो आपने उस तरफ नहीं जाना आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप लोग सिंपल रहें ठीक है आप जेनेरिक प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं अगर जेनरिक नहीं लिस्ट कर सकते तो अपना एम पी एल के ब्रांड बना लें जेनेरिक प्रोडक्ट सिंपल सेम है मैं आपको दिखाता हूँ अगर मैं खाली जेनेरिक टाइप करता हूँ तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है ठीक है अगर आप लोग को जेनेरिक प्रोडक्ट नहीं मिल रहे है, आपको मैं बताता हूँ आप लोगों ने हीलियम पे आ जाना है ठीक है टेन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है जाके अभी अवेल करो 40 डिस्काउंट है उसके अंदर ठीक है ब्लैक फ्राइडे की इसमें ऑफर लगी हुई है जाके लो और यू गज इंजॉय बिकॉज टूल्स के बगैर कुछ भी नहीं होता ठीक है आप लोगों ने टूल्स लाजि बाय करने हैं अब आप यहाँ पे आएंगे यूए के अंदर आएंगे यहाँ पे यू चूज किया यहाँ पे एडवांस पे जाते हैं जब हम एडवांस पे आएंगे ना यहाँ पे नीचे तो यहाँ पे हमारे पास सब कैटेगरीज हो जाएंगी अब आपने अपनी फेवरेट कैटेगरी चूज कर लेनी है जिस अंदर आप काम करते हैं ठीक है शुरू के लिए मैं रेकमेंड करता हूँ सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं लेकिन सिलेक्ट ऑल करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा ना आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी आप लोगों ने यहाँ पे ब्यूटी सिलेक्ट कर लेना है ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेना है अगर आप सेल करते हो तो ठीक है मैं कंप्यूटर सेलेक्ट कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक सेलेक्ट कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक छोड़ दें इलेक्ट्रॉनिक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी फैशन कर लिया यहाँ से हेल्थ एंड ब्यूटी कर ली होम कर लिया किचन कर लिया ऑफिस प्रोडक्ट कर लिए ठीक है ये सारी मैंने कैटेगरी यहाँ से चूज कर ली है चूज कर लूंगा यहाँ से जैसे हम यहाँ पे आएंगे तो हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरीज हम सेलेक्ट कर लेंगे जिसके अंदर हमें जेनेरिक प्रोडक्ट फाइंड करने हैं या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट फाइंड करना है जिसकी डिमांड अभी एमजॉन पे ज्यादा हो यानी कि अमेजन यूए मार्केट के अंदर ज्यादा हो तो अब मैंने यहाँ पे पेट कैटेगरी चूज कर ली है मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक मत चूज करें बड़ी बड़ी कैटेगरीज मत चूज करें क्योंकि अगर वो आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगा ये टूल मैं यूज कर रहा हूँ हेलीमटन यहाँ पे आपसे वो पूछता है बेस्ट सेलिंग रैंक जब यूए के मार्केट की बात आती है तो एक से लेके अगर पांच तक या हजार तक भी किसी का है तो वो बहुत अच्छा है लेकिन की है। है? बात कर रहा हूं अगर यूएस मार्केट है तो यूएस मार्केट के अंदर हजार वाला हजार बी एस वाला प्रोडक्ट जो भी है वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है ठीक है तो हम इसके अंदर जो लिखेंगे मिनिमम तो कुछ नहीं मैक्सिम हम जो लिखेंगे इसके अंदर वो होगा मैं आपको दिखाता हूँ हम मैक्सिमम लिखेंगे दो हज़ार ठीक है दो हजार से ऊपर दो हजार से ऊपर नहीं जाएंगे ना नीचे जाएंगे ठीक है हम इसको इतना रखेंगे बी एस आरोप यहाँ पे नंबर ऑफ सेलर्स आते हैं नंबर ऑफ सेलर्स हम कहते हैं कि मैक्सिमम हमें नंबर ऑफ सेलर जो चाहिए एक मतलब लिस्टिंग के अंदर वो सिंपल पांच चाहिए ठीक है पांच से ज्यादा हमें नहीं चाहिए प्राइसिंग को हम नहीं छेड़ते मंथली रेवेन्यू को हम नहीं छेड़ते बेस्ट सेल्स मंथ को भी हम नहीं शेयर थे यहाँ पे ब्रांड्स आ जा जाएगा वो बोलता है कि आप एग्जैक्ट ब्रांड सर्च बताएं हम बोलते हैं जेनेरिक जेनेरिक ब्रांड हमें प्रोडक्ट चाहिए लेकिन अगर आप जेनेरिक नहीं फाइंड करना चाहते सिंपल uh, uh, मतलब ऑनलाइन ऑनलाइनट्राज की लिस्टिंग फाइंड करना चाहते हैं तो यहां पे कुछ ना लिखें यहाँ पे सिंपल छोड़ दें तो जो लिस्टिंग आपके सामने आएगी जिसके अंदर पंद्रह बीस लोग बैठे तो वो आप लिस्टिंग के अंदर जाकर सिंपल मी टू कर सकते हैं लेकिन इसके अंदर मैं आपको जेनेरिक वाला बता रहा हूं तो यहाँ पे आपने जेनेरिक लिखना है यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट सेट

जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके पास प्रॉपर डाटा हिलियम टेन आपको दिखा देगा और ये जो डाटा है ये ऑथेंटिक डाटा है कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि ये डाटा सही नहीं है बिल्कुल ठीक डाटा है अगर आप इसको कंपेयर में आपको कंपेयर भी करके दिखाता हूँ अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने असेंडिंग डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर के अंदर होता है यहाँ पे मैंने लो हाई टू लो कर दिया ठीक है अब यहाँ पे हाई प्रोडक्ट हमें नज़र आएंगे जो पहले प्रॉडक्ट जो अच्छे सेल हो रहे हैं वो नज़र आएंगे ठीक है अब मैं यहाँ पे जाता हूँ क्लिक करता हूँ ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ कि ये प्रोडक्ट जेनेरिक प्रोडक्ट है ये एक कोई बंदा सेल कर रहा है और आप इसकी सेल्स चेक करें ठीक है मैं आपको इसकी सेल्स दिखा देता हूँ ये इसकी सेल्स हैं महीने के इसके 200 यूनिट सेल होते हैं ठीक है और कौन कहता है कि प्रोडक्ट नहीं सेल होता अगर मैं आपको इसकी वन टेम टाइम सेल हिस्ट्री निकाल के दिखाऊँ ये देखें सेल्स इसने शुरू किया आख्ता आस्ता आस्ता करते करते इट्स ऑन ईजीली गोइंग फर्दर ठीक है आपने बस मेक श्योर करना है कि आप लोग सही प्रोडक्ट चूज़ करें फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रोडक्ट जो है ये प्रोडक्ट आपने चूज़ किया है विच इज़ स्लीपिंग बियर सिक्स पीसिस लग्जरी किंग साइज़ ये प्रोडक्ट अगर आप चाहते हैं आप सेम सेम प्रोडक्ट बेटर लिस्टिंग के अंदर बहुत ही परफेक्ट बना के आप सेल कर सकते हैं सेम प्राइस के अंदर अमेजोन के अंदर आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा ठीक है आप अपना प्रोडक्ट बनाएं ठीक है फॉर एग्जांपल ये है आप देखें इसके अंदर क्या फ्लो uh, है आप जाएं रेटिंग के अंदर रेटिंग के अंदर जाने के बाद चेक करें कि कस्टमर्स क्या कह रहे हैं देखें ये से cover, like ये कस्टमर इन द क्वाइट कवर आई रिसीव वॉज एन एम्बेसमेंट नथिंग लाइक इन पिक्चर इट दैट कि ये प्रोडक्ट जो है वो कह रहे हैं कि कस्टमर कह रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये पिक्चर के जैसे मैच नहीं करता आप पिक्चर के जैसे मैच करवाएं मेक श्योर करें कि बेडशीट बिल्कुल सेम हो ए टू जेड हो जब आप ये करेंगे ऑथेंटिक वे से काम करेंगे तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट रैक भी करेगा और हर बंदा आपसे ख़रीदेगा भी ठीक है अब फेरी लाइट्स हैं क्रिसमस की ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है अगर आप अभी होल सेल कर रहे हैं या फिर आप जेनेरिक में प्रोडक्ट लेस्ट कर रहे हैं मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ये प्रोडक्ट सेल करें ठीक है ये प्रोडक्ट जो है मैंने खुद सेल किया हुआ है और उसका मैं आपको दिखाता हूँ बी एस आर ठीक है इसका बी एस आर चेक करें टू हंड्रेड बी एस आर इसका होम एंड डेकोरेटिव कटेगरी के अंदर इट मीन्स दैट दिस प्रोडक्ट इज अमेजिंग आप आराम से आपको अली बा से भी मिल जाएगा ठीक है अगर आप अली बा से देखें कितने का मिलता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ अली बबा से कितने का मिलता है यहाँ पे जाएँ आप सिंपल इसका काम क्या का, का कहते हैं इसका नाम कॉपी करें ठीक है इसका नाम कॉपी यहाँ से कर लें नाम कॉपी करने के बाद यहाँ पे आए यहाँ पर आ, पे आ, पे आ पेस्ट करें और सर्च कर दें जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने डिफरेंट काइंड ऑफ लाइट्स आ जाएंगी ठीक है तो अराउंड अराउंड अबाउट अगर कहें आपकी कॉस्ट अगर आपको पड़ेगी दो तीन डॉलर से ज्यादा नहीं पड़ती ठीक है तो यहाँ पे आके अली बा पर आकर आपने प्रोडक्ट फाइंड कर लेना जब आप अली बा पे आएंगे प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो यू गाइस कैन इजीली टॉक विद सप्लायर एंड डिस्कस फर्दर ठीक है अब ये देखें हमारे पास हाई टिकट प्रोडक्ट सेल करें तीस धर्म का बीस धर्म का प्रोडक्ट नहीं सेल करना है आप। आपने आपने ज्यादा ऊपर वाले सेल करने अब फॉर एग्जांपल डेस्क है चेयर है बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट मैं आपको दिखा सकता हूँ जैसे रग्स हैं अब जो भाई के मेरे ख्याल से जो बहुत सारे लोग मेरी वीडियो देखते हैं जिन जो लोग रग्स वगैरह भेजते हैं अपने स्टोर के अंदर आपने स्टोर फिजिकल स्टोर के अंदर तो आराम से आप अमेज़ान लिस्ट करें और सेल करें सिंपल इज़ इस दैट इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है अब ये जो बंदा सेल कर रहा है मैं आपको दिखाता हूँ ये बंदा जो सेल कर रहा है बिल्कुल न्यू है मेरे ख्याल से कोई बहन है जो सेल कर रही है ठीक है इट्स कम्प्लीटली फाइनग्राइज आप कर सकते हैं लेकिन वही बात है आप करने वाले बने पहली बात ठीक है प्राइज उसने बहुत अच्छी रखी है सिक्सटी वन धर्म प्राइज रखी है इसके बाद जो टोटल मेरे ख्याल से जो सेल आ रही है सिक्स हंड्रेड टू हंड्रेड यूनिट्स आ रही है विच इज अमेजिंग सेल्स ग्यारह हज़ार दस हज़ार दर्म महीने का रेवेन्यू करके दे रही है उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट होगा बिकॉज प्राइस जो इसकी है वो ऊपर है आपको मैं पहली चीज़ जो बता रहा था कि टूल यूज़ करे सेकेंड चीज़ आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि अगर आप जो भी प्रोडक्ट जेनेरिक के अंदर देखते हैं आपका दिल करता है आप लॉन्च करें उसको बेहतर करके लॉन्च करें बेहतर किस तरह से करें आप उसको एम में लॉन्च कर सकते हैं उसके लोगो इम्प्रूव करके उसको अगर लोगो जेनेरिक में लगाए ठीक है, है लेकिन एम में लॉन्च कर सकते हैं प्राइवेट लेबल में लॉन्च कर सकते हैं अभी बहुत सारे लोग कहेंगे कि प्राइवेट लेबल के अंदर हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है आपको कौन कह रहा है कि प्राइवेट लेबल में जाकर दस बीस हज़ार का आप लाइसेंस बनाएं आप स्टार्ट करें नहीं ऐसा नहीं है आप स्टार्ट कर सकते हैं एम से ठीक है एम का मतलब क्या होता है मैं फिर बता देता हूँ माइक्रो प्राइवेट लेबल का मतलब होता है आप अपने प्रोडक्ट पे लोगो लगवाते हैं आप सब कुछ करवाते हैं अमेजोन को साथ अप्रूवल लेते हैं ठीक है अमेजोन के अंदर आप अपना नाम सबमिट करवाते हैं ब्रांड अप्रूवल लेके कर आपको अप्रूव करता है उसी कैटेगरी के अंदर उसी लिस्टिंग आप बनाते हैं और सेल करना शुरू करते हैं ठीक है और मैंने एम की बहुत सारी वीडियो बनाई है वो आपको आई बटन में मिल जाएंगे आप देख सकते हैं लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक एनालिसिस लगाऊँ प्रॉपर एनालिसिस लगाऊँ कि यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है ठीक है अपॉर्चुनिटी इस लिहाज से मिल रही है कि यहाँ पे मैं ऊपर जाता हूँ मंथली सेल्स के अंदर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ देखता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो सेल्स होने वाले प्रोडक्ट हैं वो ऊपर आए अभी आ गए हैं देखें सबसे ज़्यादा जो सेल हो रहे हैं प्रोडक्ट वो ये प्रोडक्ट हैं ये डाइंग स्टैंड है अल्कोहल स्वाब्स हैं ठीक है ये अल्कोहल वाइब्स हैं फिर क्रिसमस की ट्री है ये चीज़ें ऐसी चीज़ें आप सेल करें अभी मैंने जैसे आपको पहले बताया था सीजनल प्रोडक्ट आ रहे हैं तो सीजनल प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर दें ठीक है लेजी ना बने लेजी बनेंगे तो कुछ भी नहीं होगा ठीक है दस वराम ट्राइव टू से लंच बॉक्स है ये लंच बॉक्स जो है ये एवर ग्रीन प्रोडक्ट है ठीक है अगर आप मतलब स्कूल जाते हैं आपके बच्चे हैं आपको पता होगा कि ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा सेल होता है और अगर आप इसको थोड़ा बहुत इंप्रूव करके करें तो ये डेफ़िनेटली आपको बहुत अच्छे पैसे कमा के दे सकता है लेकिन इमेज देखें कितनी अच्छी लगी है इमेज पर थोड़े पैसे खर्च करें ऐसा नहीं हो कि आप कॉपी कर रहे हैं इमेज फिर आप नहीं इमेज ऐसे नहीं आपको मेक श्योर करना है कि आप इमेज जो भी लें बनवाएँ वो अच्छी इमेज हो ठीक है मैं इसीलिए आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे लेके जाता हूँ फिर हम वीडियो को आगे लेके जाते हैं और मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे जिस तरह के भी प्रोडक्ट आपको नजर आ रहे हैं ये प्रोडक्ट ग्लास पिक्चर आई थिंक सो दिस इज अ वेरी गुड नाइस प्रोडक्ट ठीक है पचास पीसेस के महीने के सेल हो रहे हैं इसमें पाँच बंदे बैठे हुए आप जाके इसमें मी टू कर ले सिंपल इज दैट ट्राई टू फाइंड दिस प्रोडक्ट एंड या सेल इट सिंपल इज दैट इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है ठीक है तो मैं यही आपको समझाना चाह रहा था कि अमेजन यू के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं लेकिन अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैप करना जानते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं लेकिन अगर आप नहीं जानते आपके पास नॉलेज नहीं है आपको कोई पता नहीं है कि अमेजन किस तरह से काम करता है आपको ये नहीं पता कि जेनरिक क्या होता है माइक्रो प्राइवेट लेवल क्या होता है प्राइवेट लेवल क्या होता है ऑन ट्रस्ट क्या होता है इस सब टर्म्स का आपको नहीं पता तो डेफिनेटली आप शुरू नहीं कर पाएंगे सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले आप इस बिजनेस को समझें यह है क्या ठीक है उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप इस चीज़ को समझें कि कौन सा बिजनेस मॉडल मुझे सूट करता है अगर आप होलसेल कर सकते हैं तो मैं होलसेल के अंदर भी आपकी मदद कर सकता हूँ बट फॉर द यूएस एंड नॉट फॉर यू ए के लिए अगर आपने होलसेल करना है यू नीड अ बिग बजट ठीक है यू नीड अ बिग पॉकेट अगर आपके पास नहीं है तो स्टे अवे फ्रॉम होल सेल लेकिन मैं आपको बताऊंगा अपने प्रोडक्ट लॉन्च करें जिस तरह से आप जेनेरिक में प्रोडक्ट देख रहे हैं जो अच्छे सेलर है उनको उनको ही उठा के लॉन्च करें सिंपल इज दैट उनकी डिमांड चेक करें सप्लाई चेक करें यूजिंग हीलियम एंड या यू आर गुड टू गो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ हिलिमटेन का और आप लोग जाके अभी साइनअप कर सकते हैं के साथ बिकॉज नाउ आपके पास फोर्टी परसेंट चांस है फोर्टी परसेंट डिस्काउंट है जो आप लोग लेके अवेल कर सकते हैं फॉर सिक्स मंथ ठीक है month, ये बाद में आपको नहीं मिलेगा तो फिर मुझे मत कहना कि आपने बताया नहीं ठीक है तो साइन अप नाउ गाइज अवेल दिस अपॉर्चुनिटी एंड या एंजॉय एंजॉय एंड वर्क हार्ड सिंपल इज दैट ठीक है अपने काम पे तवज्जो दें और मेक श्योर sure करें कि आप लोग अपनी मेहनत करके आगे आए ठीक है थीके? ऐसा नहीं है कि आप लोग जाके एक दूसरे को नीचे खैचे नहीं जस्ट वर्क हार्ड मूव अप और ई e कॉमर्स ही जो है आपकी जिंदगी बदल सकता है और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको सोते हुए भी पैसा बना के दे थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आप इस तरह की वीडियो और देखना चाहते हैं कमेंट करें और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियो बनाऊंगा